हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फरजान और आप देख रहे हैं अल्फैज एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अल्फैज एजुकेशन पर 9th और 10th क्लास के साइंस के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो इसी के साथ साथ आप लोगों को इसी चैनल पर 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अल्फैज एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। इसे जानने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं हैलोजन, व्हाट इज मीन बाय हैलोजन। यहाँ जो आपको नजर आ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो चार एलिमेंट्स है इसी को हम क्या कहते हैं, हैलोजन। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज द मीन बाय हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। व्हेन वन एंड मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हैलोजन एटम, देन द कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। यानी जब हम एल्केन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, और उसकी जगह एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम अटैच करेंगे, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा, फाइनल प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, तो वो होगा हमारा हैलो एल्केन। हैलो एल्केन, और इसी का दूसरा नाम है अल्काइल हैलाइड। मीन्स एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, CH4 जो फर्स्ट मेंबर है एल्केन का, जिसका नाम है मीथेन। जब हम मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह एक हैलोजन एटम, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन ऐड करते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है CH3Br, इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलो एटम। मीन्स कि कितने हैलोजन एटम अटैच होंगे कंपाउंड में, इसके बेसिस पर हैलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहां हम इसकी क्लासिफिकेशन ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट मोनो हैलो एल्केन्स एंड सेकेंड इज पॉली हैलो एल्केन। पॉलीहैलो एल्केन्स को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डाई हैलो एल्केन, नेक्स्ट इज ट्राई हैलो एल्केन एंड लास्ट इज टेट्रा हैलो एल्केन। सो फर्स्ट मोनो हैलो एल्केन, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री एंड टेट्रा मीन्स फोर। इसके मीनिंग क्या है? मोनो हैलो एल्केन मीन्स जब हम एल्केन से
एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह एक हैलोजन एटम अटैच करेंगे तो जो फाइनल कंपाउंड में मिलेगा प्रोडक्ट तो वो होगा आपका मोनो हैलो एल्केन। इसी तरीके से जब हम दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह दो हैलोजन एटम अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा आपका डाई हैलो एल्केन। अगर तीन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया और इसकी जगह तीन हैलोजन एटम अटैच किए तो ये हो जाएगा आपका ट्राई हैलो एल्केन। इसी तरीके से अगर फोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया और इसकी जगह फोर हैलोजन एटम अटैच किया तो जो फाइनल कंपाउंड मिलेगा आपको ये होगा टेट्रा हैलो एल्केन। तो आइए वन बाय वन इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट मेंबर है एल्केन का वो है मीथेन CH4। इस एग्जांपल से हम हमारे दोनों क्लासिफिकेशन सीख लेंगे मोनो एंड पॉली। जब हम एल्केन से फॉर एग्जांपल ये है फर्स्ट मेंबर मीथेन, जब हम मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका CH3-। इसी तरीके से जब हम मीथेन से दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका CH2-। इसी तरीके से तीन हाइड्रोजन जब हम रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका CH-। एंड लास्ट वन जब हम फोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा सी बॉन्ड। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया मीथेन से तो ये हो गया है आपका CH3। अब इसकी जगह हमें एक हाइड्रोजन एटम अटैच करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहां ऐड किया क्लोरीन एटम Cl+, तो ये हो गया आपका CH3Cl। उसी तरीके से CH4 से दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया और इसकी जगह दो Cl एटम अटैच किया तो ये हो गया है आपका CH2Cl2। इसी तरीके से तीन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया और इसकी जगह थ्री क्लोरीन एटम अटैच किया तो ये हो गया आपका CHCl3। एंड लास्ट वन इज फोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया, इसकी जगह फोर क्लोरीन एटम अटैच किया तो ये हो गया है आपका CCl4। अब हम इसके नेमिंग्स देख लेते हैं। यहां था मीथेन, मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो ये हो गया मिथाइल एंड इसे क्लोरीन ऐड किया तो इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट यहां दो क्लोरीन एटम अटैच किया इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथिलीन। मिथिलीन डाई क्लोराइड। नेक्स्ट यहां पर तीन क्लोरीन अटैच किया इसलिए इसका नाम हो गया है क्लोरो क्लोरोफॉर्म। एंड लास्ट CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन क्या है कि जब हम एल्केन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह एक या एक से ज्यादा हैलोजन अटैच करेंगे तो इसे हम कहेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन या हैलो एल्केन। हैलोजन को हम एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको फोर एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं यही आपके हैलोजन है, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन। इसकी हमने डेफिनेशन देख लिए, नेक्स्ट इसकी हमने क्लासिफिकेशन देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलो एटम। तो ये थे आपके मोनो हैलो एटम एंड पॉली हैलो एटम।
तो मोनो में हमने देख लिया ये फर्स्ट एग्जांपल मिथिल क्लोराइड की, पॉली में हमने देखा डायहेलोल्केन, ट्राइहेलोल्केन एंड टेट्राहेलोल्केन। तो डायहेलोल्केन की एग्जांपल मिथिलीन डाइक्लोराइड, ट्राइहेलोल्केन की क्लोरोफॉर्म एंड जो लास्ट है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को सेंड कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।